हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेंस्ट ऑल ऑफ यू इन योर TSF क्लासेस। पुनः मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस थे। जैसा कि मैंने कल चर्चा किया था, स्पेशल टाइप्स ऑफ जो रिलेशंस था उसमें मैंने इक्विवेलेंस रिलेशंस के बारे में आपको बताया था। इक्विवेलेंस रिलेशंस मैंने बताया था कि इक्विवेलेंस रिलेशंस को समझने के लिए हमें तीन और रिलेशनों को समझना होगा। उसमें से पहला रिलेशन था रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। पहला रिलेशंस क्या था? रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। जैसा कि मैंने कल आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के बारे में कुछ बताया था, रिफ्लेक्सिव जैसा कि नाम से ही, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य का मतलब कि एक ऐसा संबंध जो स्वयं से तुलना की जाती हो, जिसके उस संबंध की किससे तुलना की जाती हो, स्वयं से तुलना की जाती हो। जैसा कि इसके डेफिनेशन से आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगे, किसी रिलेशंस को रिफ्लेक्सिव होने के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और रिलेशंस आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए। एक रिलेशंस आर है जो डिफाइन किया जा रहा है सेट ए पर। किस पर डिफाइन किया जा रहा है? सेट ए पर। सेट टू बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू या रिलेटेड टू इट सेल्फ। ये बातें ध्यान रखने वाली है, इट सेल्फ। इसका मतलब ये है कि जब भी हम रिलेशंस की बात करेंगे तो सबसे पहले तो हमें एक बात ये जाननी है कि यहाँ जो भी रिलेशंस हमें बनानी है वो एक ही सेट के अंदर बनानी होगी। इट मीन्स अगर मैंने यहाँ पर कोई सेट ए ले रखा है तो उसका रिलेशंस उसी सेट ए के एलिमेंटों के साथ होना है। पहली बात तो यहाँ स्पष्ट करनी, मैंने बताया भी था कि इस टाइप्स के रिलेशंस की जब भी हम चर्चा करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि ये रिलेशंस केवल एक सेट से उसी सेट, यानी कि एक सेट से जो भी सेट हमारे पास रहेगा उसी सेट से उसी सेट में हमें रिलेशंस डिफाइन करनी होगी। जैसा कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ए से सेट ए में एक रिलेशंस आ रहा है और इसके कोई एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, तो ऑब्वियसली इसी सेट के एलिमेंटों को मैं फिर से वही राइट करूँगा 1, 2, 3। तो जो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की क्राइटेरिया है वो कहती है कि सेट ए के एवरी एलिमेंट ईच एंड एवरी, प्रत्येक की बात होगी, प्रत्येक और ईच मतलब प्रत्येक एंड एवरी, सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, रिलेटेड होंगे टू इटसेल्फ। यानी कि 1, 1 से ही रिलेटेड होगा, 2, 2 से ही रिलेटेड होगा, 3, 3 से ही रिलेटेड होगा। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि क्या अगर 1, 2 से कोरिलेट हो जाए तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा? बट ऐसा नहीं है। मैंने, अगर आप गौर करें पिछले वीडियो पर, तो मैंने समझाया था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशंस तो होगा ही, साथ में
कुछ अदर अगर रिलेशंस भी इसमें मौजूद होते हैं तो भी इस रूल को ये फॉलो करता है। इसका मतलब कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होने के लिए केवल आइडेंटिटी रिलेशंस होना जरूरी नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशंस है तो ठीक है, अगर नहीं भी है, अगर आइडेंटिटी रिलेशंस नहीं है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस तो होगा नहीं, पहले ये समझना है। दूसरी बात, अगर आइडेंटिटी रिलेशंस है भी और उसके साथ में अगर अदर भी कोई रिलेशंस उसमें दिया हुआ है तो भी हम कहेंगे कि वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशंस है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की शर्त महज ये है कि जितने भी एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद होंगे, सेट ए के अंदर, सेट ए के अंदर वे एलिमेंट्स खुद से ही कोरिलेट होंगे। इट मीन्स कि खुद की ही मैपिंग वो बनाएंगे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। इट मीन्स कि अब इस चीज़ को हमें अगर राइट करना हो तो हम कैसे समझेंगे, लिखेंगे Our relations are defined such that it is defined from set A to A, set A to A, तो यहाँ पर जो हमें relations मिलता R is equal to वो होगा A comma A belong to set R। It means कि वो रिलेशंस रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होगा जो दिए गए आर रिलेशंस के अंतर्गत सेट ए के एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट्स खुद का मैपिंग करेंगे। इट मीन्स कि खुद से कोरिलेट होंगे, खुद से रिलेट होंगे। जहाँ फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, यानी कि इसमें जो ए आएगा, यानी कि जिस ए की बात होगी, जो भी एलिमेंट होगा वो एलिमेंट्स कहाँ से होना चाहिए, सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। इट मीन्स कि सेट ए से बाहर नहीं बिलोंग करना चाहिए। अगर सेट ए के बाहर का कोई एलिमेंट है, जैसा कि मैं यहाँ पे बताया सेट ए के अंदर 1, 2, 3 है और मैं एक रिलेशंस लिख रहा हूँ, यहाँ मैं एक रिलेशंस आपको लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैंने एक रिलेशंस यहाँ लिख रखा R इज द रिलेशंस 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होगा? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस यहाँ तक तो ठीक है कि इसमें एलिमेंट 1, 2, 3 थे और 1, 1 से ही रिलेट हो रहा है, 2, 2 से ही रिलेट हो रहा है, 3, 3 से ही रिलेट हो रहा है, बट 4, 5 से यहाँ रिलेट हो रहा है जो कि सेट ए में मौजूद नहीं है। ये इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे लिखा था तो लिखा था R इज द रिलेशन सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए। R एक ऐसा संबंध है जो डिफाइंड है सेट ए से ए में, और जहाँ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज कोरिलेट विद इट सेल्फ। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इट सेल्फ स्वयं से, जहाँ जो एलिमेंट ए है वो सेट ए में ही बिलोंग करना चाहिए, बट यहाँ 4 and 5 आर नॉट बिलोंग टू द सेट ए। सेट ए के 1, 2, 3 ही यहाँ पर बस एलिमेंट हैं, 4 and 5 तो एलिमेंट हैं ही नहीं, तो बाहर से कहीं से आके कोरिलेट हो रहा है। तो ऐसे में ये हमारा सेट रिफ्लेक्सिव रिलेशंस नहीं होगा। अगर बात करें यहाँ से इसको हटा दें और बस बात करें इसकी, तो ये एकदम शानदार तरीके से रिफ्लेक्सिव रिलेशंस है। ऐसा इसलिए कि मैंने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्राइटेरिया आपको बताई थी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट्स कोरिलेट विद इटसेल्फ, स्वयं से रिलेट होना चाहिए। पहले तो हम देखेंगे इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो 3 एलिमेंट हैं, तो तीनों एलिमेंट क्या खुद से कोरिलेट है, तो इस रिलेशन के अंदर 1, 1 से रिलेट है, 2, 2 से रिलेट है, 3, 3 से रिलेट है, तो एकदम शानदार तरीके से ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस है। हाँ, अगर मैं बात करूँ और एलिमेंट्स के रिलेशंस में इसी सेट ए से बढ़ा दूँ, जैसा कि मैं लिख दूँ यहाँ 2, 3, और मैं आपसे कहूँ क्या ये रिलेशंस है रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, तो आप कहेंगे जी सर यहाँ तक तो समझ में आ रहा है,
कि 1-1 से कुरेट है, 2-2 से है, 3-3 से है, बट 2-3 से है, ये बात सर को समझ में नहीं आई। मैंने आपसे एक बात और कहा था कि क्राइटेरिया इतना ही है कि जितने एलिमेंट हैं वो खुद से कोरिलेट होने चाहिए, प्लस ये तो क्राइटेरिया आइडेंटिटी रिलेशंस के लिए हो गया। आइडेंटिटी रिलेशंस कहता है कि जितने भी एलिमेंट हैं यदि खुद से ही कोरिलेट हैं तो आइडेंटिटी रिलेशंस वो होता है। बट रिफ्लेक्सिव रिलेशंस और आइडेंटिटी रिलेशंस दोनों में तब डिफरेंस क्या रह जाएगा? डिफरेंस यही है कि उसके बाद भी अगर कोई रिलेशंस इसमें मौजूद होता है, इस रिलेशंस को फॉलो करने के बाद, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशंस बनाने के बाद, तो हम कह सकेंगे कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशंस है। इट मीन्स कि ये बात जो यहाँ लिखी गई हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस विल बी आइडेंटिटी रिलेशंस प्लस अदर रिलेशंस, अदर रिलेशंस में मौजूद होता है, लेकिन तभी जब रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की जो डेफिनेशन है, यानी कि डेफिनेशंस किससे कोरिलेट है, वो है आइडेंटिटी रिलेशंस। आइडेंटिटी रिलेशंस फॉलो करने के बाद यदि कोई और रिलेशंस आता है तो वो क्या होता है, वैलिड होता है, लेकिन तभी और तभी वैलिड होता है जब वो एलिमेंट जो रिलेशंस में आ रहे हैं वो एलिमेंट भी बिलोंग करने चाहिए सेट ए से। तो यहाँ पर देखेंगे 2 and 3 आल्सो बिलोंग इन सेट ए, सो वी कैन से दैट इट्स विल बी फॉलो द गिवन रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बिकॉज इट्स हैव द फुलफिल क्राइटेरिया फुल अप ऑफ द आइडेंटिटी रिलेशंस। आइडेंटिटी रिलेशंस को ये फुलफिल करता है, इसको फुल अप करता है कि ये आइडेंटिटी रिलेशंस है। अब आइडेंटिटी रिलेशंस के बाद भी अगर कोई रिलेशंस मौजूद हो जो उन्हीं एलिमेंटों से हो जो सेट के अंदर मौजूद हैं, तो हम कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस है। आई होप आपको पूरी तरीके से रिफ्लेक्सिव रिलेशंस समझ में आया होगा। जैसा कि अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ एक मैट्रिक्स के माध्यम से कैसे हम समझ पाएंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होगी। आइए देखते हैं एक बार कैसे हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होगा, मैट्रिक्स के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि रिलेशंस इज डिफाइंड सच दैट फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, यदि रिलेशंस एक निश्चित है सेट ए से सेट बी में, जैसा कि यहाँ पर आपको जो भी डायग्राम आपको दिख रहे हैं सारे के सारे डायग्राम सेट ए से सेट ए के बीच ही निर्धारित किए जा रहे हैं, सेट ए से सेट ए के बीच में ही निर्धारित किया जा रहा है। तो मैं इन डायग्रामों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कैसे हमारा दिया गया रिलेशंस जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस है। जैसा कि हमें समझना ये है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस दिए गए मैट्रिक्स के डायगोनल रिलेशंस के बराबर होगा, यानी कि जो भी रिलेशंस हमें इसमें मिलेंगे, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं हमारे पास सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट्स ए बी एंड सी हैं, उसको मैंने मैट्रिक्स में डिफाइन किया है। जैसे अगर मैट्रिक्स में हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हम पाते हैं ए का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ होगा, ए का बी के साथ, फिर ए का सी के साथ रिलेशंस होगा, फिर ऐसा बी का ए के साथ, बी का बी के साथ, जैसा कि ए का ए के साथ, ए का बी के साथ ए बी, ए का सी के साथ ए सी, बी का ए के साथ बी ए, बी का बी के साथ बी बी, बी का सी के साथ बी सी, सी का ए के साथ सी ए, सी का बी के साथ सी बी, सी का सी के साथ सी सी। तो हमने यहाँ देखा मैट्रिसेस में जो प्रोडक्ट यहाँ बनते हैं वो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस तभी कहलाएंगे जब मैट्रिक्स के जो डायगोनल होंगे, डायगोनल हमें रिसीव हो जाए, डायगोनल के सारे एलिमेंट रिसीव हो जाए उस रिलेशंस में, तो हमारा दिया गया जो रिलेशंस होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कहलाएगा। जैसा कि सेट ए में एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी, तो इसके डायगोनल हमें मिलते हैं ए ए बी बी सी सी, वो रिलेशंस जो है वो हमें उस सेट ए पे दिखना चाहिए। पहले रिलेशंस की बात करें तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ए ए से रिलेट है, बी बी से भी है, बी सी से भी है, यहाँ देखते हैं कि सी का रिलेशंस खुद के साथ इसमें नहीं है, सी का रिलेशंस इसमें खुद के साथ नहीं है। इट मीन्स कि सी कोरिलेट स्वयं से नहीं हो रहा है, सी का जो रिलेशंस है वो स्वयं से नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि स्वयं का ये इमेज प्रोडक्ट नहीं करता है, इमेज नहीं बनाता है। ऐसे में हमारा जो दिया गया रिलेशंस है, पहला रिलेशंस, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स है उनसे बना मैट्रिसेस प्रोडक्ट्स का डायगोनल हमें इसमें रिसीव नहीं हो रहा है इस रिलेशन में। अब सेकेंड वन की बात करते हैं, सेकेंड वन में देखते हैं कि ए का भी रिलेशंस बी से है, बी का रिलेशंस बी से है, सी का रिलेशंस बी से है, फिर वही कहानी,
जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ जो इसके डायगोनल है इस रिलेशंस में मौजूद नहीं है, जैसा कि ए का रिलेशंस बी के साथ है स्वयं के साथ नहीं है, बी का रिलेशंस बी के साथ है बट सी का रिलेशंस स्वयं के साथ नहीं है, ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये भी रिलेशंस हमारा रिफ्लक्स रिलेशंस नहीं है। अब रही बात थर्ड वन रिलेशंस की, तो थर्ड वन रिलेशंस में हम देखते हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं, हमने कहा था क्राइटेरिया कि आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, इट इज ए कामा ए कोरिलेट विद दिस रिलेशंस, यानी कि ए का रिलेशन स्वयं के साथ आना चाहिए। तो यहाँ पर ए का रिलेशंस स्वयं के साथ, यानी कि ईच एलिमेंट्स का, मैंने यहाँ फिर आगे लिखा था फॉर एवरी ए बिलोंग टू द सेट ए, जो ए होंगे वो उसी सेट के अंदर बिलोंग करने चाहिए, यानी कि फॉर एवरी एलिमेंट जो उसी सेट के अंदर बिलोंग करने चाहिए। तो ये तो क्राइटेरिया है कि ये सारे एलिमेंट्स उसी सेट के हैं जो आपस में बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो पाएंगे ए का रिलेशंस ए से है, बी का रिलेशंस बी से है, सी का रिलेशंस सी से है, तो इस डायगोनल रिलेशंस को ये फॉलो कर रहा है। देखें यहाँ, देखें यही कहता है, अगर इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट सारे के सारे खुद से कोरिलेट रिलेट होने चाहिए, खुद का इमेज बनाना चाहिए। तो यहाँ पर ए ने स्वयं का इमेज ए बनाया, यानी कि ए स्वयं से रिलेट हुआ, बी बी इमेज बना रहा है, बी स्वयं से रिलेट हुआ, सी स्वयं से रिलेट हुआ, तो ऐसे में हमारा दिया गया जो रिलेशंस है वो रिफ्लेक्स रिलेशंस है। तो हम पाते हैं कि जो भी रिलेशंस यहाँ पे डिफाइंड हुई है ये भन्नाट तरीके से हम कह सकते हैं कि ये रिलेशंस को फॉलो कर रहा है, एकदम सटीक रिलेशंस को फॉलो कर रहा है। फोर्थ वन एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि सेट ए के एलिमेंट्स थ्री एलिमेंट्स जो हैं उनमें से केवल और केवल एक ही एलिमेंट अपने से स्वयं से रिलेट हो रहा है, बाकी के दो एलिमेंट्स रिलेट नहीं हो रहा है। ऐसे में ये भी रिलेशंस जो हमारा है वो रिफ्लेक्स रिलेशंस नहीं होगा। अब पांचवें तरह के भी रिलेशंस हो सकते हैं, जैसा कि अगर ये रिलेशंस एक सेट ए है एक सेट बी है और उसके ईच एलिमेंट्स किसी से भी रिलेट होते ही नहीं है, इट मीन्स कि जो रिलेशंस है वो खाली रह जाता है। यहाँ देखें जैसा कि मैं किसी से कोई रिलेशन नहीं दिखा रहा हूँ, तो क्या ये हमारा रिफ्लेक्स रिलेशंस होगा? नहीं, ये हमारा एम्प्टी रिलेशंस होगा, जैसा कि मैंने एम्प्टी रिलेशंस के बारे में आपको बताया था पिछली वीडियो में। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट सेट ए के स्वयं के एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा रिलेशंस एम्प्टी रिलेशंस होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह का जो एम्प्टी रिलेशंस है वो रिफ्लेक्स रिलेशंस बिल्कुल नहीं होगा। अब चौथे तरह का सभी रिलेशंस इसमें हो सकता है, जैसा कि मैं इसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा। जहां मैं देख पा रहा था, हम सभी देख पा रहे थे, आप लोग देख रहे थे कि ए का रिलेशन ए से था, बी का रिलेशन बी से था, सी का रिलेशन सी था। अगर मैंने ए का रिलेशन इसमें बी से करा दिया, ए का रिलेशन सी से करा दिया, इसके बाद फिर मैंने बी का रिलेशन ए से करा दिया, फिर बी का रिलेशन सी से करा दिया, सी का रिलेशन ए से करा दिया, सी का रिलेशन बी से करा दिया, तो इस तरह के रिलेशंस जो ए का रिलेशन ए से है, बी का रिलेशंस बी से है, सी का रिलेशन सी से है, उसके बाद अगर अलग से रिलेशंस हम इसमें प्रोड्यूस कर दें, अलग से रिलेशंस दिखा दें जो उन्हीं एलिमेंटों का उन्हीं के साथ हो, बाहर से कोई रिलेशंस न हो, तो इस तरह का भी रिलेशंस हमारा रिफ्लेक्स रिलेशंस होगा। तभी तो उस क्राइटेरिया को फॉलो करता है जिसमें मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस जो होता है वो आइडेंटिटी रिलेशंस होने के साथ साथ अदर रिलेशंस भी शो करता है, बट वो तभी और तभी वो रिफ्लेक्स रिलेशंस होगा जो सेट ए के एलिमेंट, यानी कि जो भी एलिमेंट्स रिलेशंस में आएंगे वो फॉर एवरी एलिमेंट्स ए बिलोंग करना चाहिए उस सेट के अंदर। तो यहाँ देखें कि ये भले ए का ए से रिलेशन था, बी का बी से था, सी से काशी से था, तो ए का रिलेशन अदर के साथ भी था, बी का रिलेशन अदर के साथ भी था, सी का रिलेशन अदर के साथ भी था, लेकिन वो सारे के सारे रिलेशंस उसी में थे, सेट ए के अंदर ही थे, इसलिए इस तरह का जो रिलेशंस होगा वो रिफ्लेक्स रिलेशंस होगा। तो आई होप कि आपको 100% रिफ्लेक्स रिलेशंस के बारे में जानकारी मिली होगी, इससे अधिक आपको जानने की जरूरत नहीं है। आइए सेकेंड वन रिलेशंस हमारा सिमेट्रिक रिलेशंस समझते हैं। सिमेट्रिक रिलेशंस के क्राइटेरिया क्या है? जैसा कि मैंने डेफिनेशन यहाँ पर राइट कर रखा है, अ रिलेशंस इज डिफाइंड ऑन सेट ए, अगर कोई रिलेशन सेट ए पर डिफाइंड किया गया है,
इट मीन्स कि जो रिलेशंस है वो डिफाइन किया गया है फ्रॉम सेट ए टू ए। तो इसकी मांग बस इतनी ही है कि अगर सेट ए के एलिमेंट्स मान लेते हैं ए का रिलेशंस ए के साथ है, सेट ए के एलिमेंट्स ए बी एंड सी हो, तो यदि ए का रिलेशंस बी के साथ है तो बी का भी रिलेशंस ए के साथ होना चाहिए। इट मीन्स कि बी का भी रिलेशंस ए के साथ होना चाहिए। यदि बी का रिलेशंस ए के साथ होना चाहिए का मतलब कि बी का रिलेशंस भी ए के साथ होना चाहिए। यदि ए का रिलेशंस सी के साथ है तो सी का भी रिलेशंस ए के साथ होना चाहिए। इस तरह के जो रिलेशंस हैं वो रिलेशंस हमारे सिमेट्रिक रिलेशंस कहलाते हैं। जैसा कि मैं सिमेट्रिक फिगर की अगर बात करूं, जैसा आप देख पाते हैं इसके अगर दो पार्ट्स कर दें तो ये इसके सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसा कि ये दोनों हाथ एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं, यदि इस पर रख दिया जाए तो जैसा कि मैं बता रहा था, ये दोनों हथेली जो आपको दिख रही हैं, पाम दिख रही हैं, इनको अगर एक दूसरे पर रख दिया जाए तो आपको सामने से एक ही हथेली दिखेगी। इट मीन्स कि सेम इसके जैसा, जैसा कि अगर इसके हिंदी नेम को हम डिफाइन करें तो सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित, सममित संबंध, यानी कि मित्रवत संबंध भी इसको कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम दो फ्रेंड्स हैं तो यदि मैं अच्छा व्यवहार आपके साथ करता हूं तो आप भी मुझे अच्छा व्यवहार करते हो। ये एक जैसे संबंध होने चाहिए, यानी कि जैसा संबंध मेरा आपसे है वैसा ही संबंध आपका मुझसे होना चाहिए, यानी कि जो संबंध हैं वो अपोजिटिकली इक्वल्स होने चाहिए। इसका मतलब जैसा कि इसमें दिखाया गया है, और रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट ए पर अगर ये रिलेशन डिफाइंड हो रहा है तो सिमेट्रिक तभी कहा जाता है जब ए से बी किसी रिलेशंस में इस प्रकार हो कि उसी रिलेशंस में बी भी ए से हो, तो इस तरह का जो रिलेशंस होगा वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशंस होगा। इट मीन्स कि ए एंड बी, ए कामा बी बिलोंग्स टू दिस रिलेशंस, तो बी कामा ए भी उसी रिलेशंस को बिलोंग करते हो। इट मीन्स कि यदि ए का संबंध बी से हो तो बी का भी संबंध ए से होना चाहिए, महज इतनी बात। अगर ए का संबंध बी से ना हो तो बी का भी संबंध ए से नहीं होगा। अब जैसा कि मैं आपको कुछ फिगर आपको डायग्राम के माध्यम से कुछ समझाना चाहता हूँ, सेट ए एंड ये सेट बी है, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। दूसरे एलिमेंट हैं, क्योंकि इसमें जो भी रिलेशंस डिफाइन किए जाते हैं वो सेट ए से सेट ए में ही किए जाते हैं, तो ऐसे में हम 1, 2, 3 एंड 4 वही एलिमेंट्स यहाँ पे एक बार राइट करेंगे। और यहाँ हम देखेंगे यदि 2 का रिलेशंस 3 के साथ है, यदि 2 का रिलेशंस 3 के साथ है तो 3 का भी रिलेशंस 2 के साथ होना चाहिए, महज इतनी सी बात। यदि 4 का रिलेशंस 1 के साथ है तो 1 का भी रिलेशन 4 से मौजूद होना चाहिए उस रिलेशन के अंदर। तो इस तरह का जो रिलेशंस होगा वो सिमेट्रिक रिलेशंस होगा। जैसा कि अगर ये सेट ए है उसके एलिमेंट्स 1, 2, 3 एंड 4 हैं और मैं एक रिलेशंस यहाँ लिख रहा हूँ, पहला रिलेशंस रोस्टर फॉर्म में 1, 2, 2, 3, 2, 1, 3, 2। अब यहाँ पे जो रिलेशंस है यहाँ हम देख रहे हैं कि 1, 2 से रिलेट है, तो इस रिलेशन के अंदर 2 भी 1 से रिलेट होना चाहिए। जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है 2 भी 1 से रिलेट हो रहा है। अगर 2 का रिलेशंस 3 के साथ है तो 3 का भी 2 के साथ होना चाहिए। तो यहाँ जैसा कि आपको दिख रहा है 3 का भी रिलेशंस 2 के साथ है, मैंने वहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह का जो रिलेशंस होगा हमारा वो सिमेट्रिक रिलेशंस होगा। अब आते हैं कुछ सेकेंड टाइप्स के
सिमेट्रिक रिलेशन पे, अगर मैंने एक रिलेशन दे रखा है सेट ए डिफाइंड है 1, 2, 3 और 4 से, और मैंने वहाँ पे दे रखा है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, तो अब ये हमें समझने हैं क्या ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। चेक करते हैं, यहाँ पे हमने कहा था कि अगर 1, 1 से रिलेट होता है तो इसी रिलेशन में 1 का फिर 1 से ही रिलेशन होना चाहिए, यानी कि अगर इसको A माने इसको B माने तो A B से रिलेट हो रहा है तो B भी A से रिलेट होना चाहिए, यानी कि 1, 1 से रिलेट होता है तो 1, 1 से रिलेट होना चाहिए। तो अगर मैं देखूँ इसमें और 1, 1 से रिलेट हो रहा है तो मैं यहाँ पर देखूँ तो कहीं 1, 1 दिख तो रहा नहीं है, फिर भी ये रिलेशंस में है। ऐसा इसलिए कि जब हम याद करें आप, जब हम सेट लिखते थे तो सेट के अंदर अगर दो बार कोई चीज़ें लिख दिया जाती थी, जैसे कि 2, 2, 5, 5, 5, 4, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था सेट बनाते समय हम क्या करते थे, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते थे 2, 4 और 5, उस एलिमेंट को एक ही बार लिखते, अगर 2, 2 बार है, 5, 3 बार है, 4 एक ही बार है, यहाँ अगर 5 कितने बार भी है तो उसको हम एक ही बार राइट करेंगे, 2 अगर 2 से अधिक या 2 बार है, 3 बार है तो उसको एक ही बार राइट करेंगे। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, 1, 1 हम 2 बार नहीं लिखेंगे, बस ये समझ लेंगे कि 1 का रिलेशन 1 से है तो इसमें वही रिलेशन आपको दिख जा रहा है कि 1 का रिलेशन 1 से होगा, यानी कि आप पूरी रिलेशन खुद में तो है ही। तो इस प्रकार का जो भी रिलेशन होगा, अगर 2 का 2 से रिलेशन होगा तो ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन तो होगा ही, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो होगा ही, ये सिमेट्रिक रिलेशन को भी फॉलो करेगा। 1 का रिलेशन यदि 1 से है तो फिर 1 का रिलेशन तो 1 से है ही, 2 का रिलेशन 2 से है तो 2 का रिलेशन तो 2 से है ही, 3 का रिलेशन 3 से है तो 3 का रिलेशन वही है 3 से। तो ऐसे में इस तरह के जो रिलेशन होंगे वो भी सिमेट्रिक रिलेशन को फॉलो करेंगे। अगर इसमें से मैंने 2 एलिमेंट्स को हटा दिया और मैंने यहाँ बस पूछा आपसे 1, 1, 2, 2 क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, तो आपका आंसर होगा जी हाँ। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 का रिलेशन 1 से है तो फिर 1 का रिलेशन 1 से है, जो रिलेशन में है उन्हीं को बस हम देखेंगे। अगर इसकी जगह मैंने एक ऐसा रिलेशन लिख दिया 2, 3, तो 2 एंड जो 3 हैं वो रिलेशंस में हैं तो 3 एंड 2 भी रिलेशंस में होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 एंड 3 रिलेशंस में कहीं नहीं दिख रहा है कि 1, 1, 2, 2, 2, 3 ही रिलेशंस में है, तो 3, 2 रिलेशंस में दिख नहीं रहा है। ऐसे में इस तरह का जो रिलेशंस होगा हमारा सिमेट्रिक रिलेशंस नहीं होगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। आइए मैपिंग के थ्रू हम समझते हैं, डायग्राम के थ्रू किस प्रकार से हमारा रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है और किस प्रकार से हमारा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। जैसा कि मैं पहले डायग्राम में मैंने बनाया है, ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन ए के साथ है, सी का रिलेशन बी के साथ है, बट बी का रिलेशन सी के साथ नहीं दिख रहा है। जैसा कि मैंने इस रिलेशन को यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिखा है, ये डायग्राम फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है, तो रोस्टर फॉर्म में मैंने लिखा है कि ए का रिलेशन बी के साथ है, बहुत अच्छा, तो बी का रिलेशंस भी ए के साथ है, बहुत अच्छा, बट यहाँ देखते हैं सी का रिलेशंस बी के साथ है, बट इस रिलेशन वन में सी का रिलेशंस बी के साथ है बट बी का रिलेशंस सी के साथ मौजूद नहीं है। ऐसे में जो हमारा पहला रिलेशंस होगा वो सिमेट्रिक रिलेशंस नहीं होगा। सेकेंड वन की बात करते हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ए का रिलेशंस सी से है, फिर बी का रिलेशंस ए से है, बी का रिलेशन बी से है, जैसा कि मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। आर टू जो रिलेशन है वो ए का रिलेशन सी के साथ है, तो सी का भी रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, इस रिलेशन से कहीं भी मौजूद नहीं है। बी का रिलेशन ए के साथ है तो ए का भी रिलेशन बी के साथ होना चाहिए, जो वो भी मौजूद नहीं है। यहाँ तो ये फॉलो करता है बी का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन बी के साथ है, तो ऐसे में कुल मिला जुला के ये भी रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन की मांग बस इतनी है कि जो भी रिलेशन हो उसका अपोजिट रिलेशन उसमें बिलोंग करे। जैसा कि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ए का रिलेशन ए से है, ए का रिलेशन बी से है, तो बी का भी रिलेशन ए से है, यदि बी ए का रिलेशन सी से है तो सी का भी रिलेशन ए से है, यदि बी का रिलेशन ए से है तो ए का भी रिलेशन बी से है। तो आर थ्री की बात करें, अगर रोस्टर फॉर्म में देखें तो उन रिलेशनों को मैंने दिखाया है, यहाँ ए का रिलेशन ए से है तो ए का तो ए से होगा ही होगा, तो ये तो फॉलो करता है सिमेट्रिक रिलेशंस। ए का यदि रिलेशंस बी से है तो बी का भी ए से होना चाहिए, जो यहाँ मौजूद है।
यदि सी का रिलेशन ए से है तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए जो यहाँ मौजूद है, तो ऐसे में ये सारा जो रिलेशंस है वो सिमेट्रिक रिलेशंस फॉलो करता है, यानी कि इस तरह का जो रिलेशंस है वो सिमेट्रिक रिलेशंस फॉलो करता है, सिमेट्रिक रिलेशंस है। आते हैं फोर्थ वन की बात, ए का रिलेशंस बी से है तो बी का रिलेशंस ए से है, नो डाउट ये सिमेट्रिक फॉलो कर रहा है। यहाँ सी का रिलेशंस तो बी से है बट बी का रिलेशंस सी से नहीं दिख रहा, सी का रिलेशंस बी से है तो बी का रिलेशन भी सी से दिख रहा है। ऐसे में अगर इसको देखें तो रिलेशंस फोर है, ए का रिलेशंस बी से है तो बी का रिलेशंस भी सी से है, यहाँ मौजूद है। यदि बी का रिलेशंस सी से है तो सी का रिलेशंस बी से है, यहाँ मौजूद है। इस तरीके से ये फोर्थ वन जो डायग्राम है वो सिमेट्रिक रिलेशंस को फॉलो करता है। फिफ्थ डायग्राम ऐसा है कि जो किसी से कोई भी एलिमेंट कोरिलेट रिलेट हो नहीं रहा है, ए का ना रिलेशंस किसी ए बी सी तीनों के साथ है, ना ही बी का रिलेशंस किसी एलिमेंटों के साथ है, ना ही सी का रिलेशंस किसी के साथ है, तो ऐसे में क्या ये सिमेट्रिक रिलेशंस होगा? सोचने वाली बात है। तो सिमेट्रिक रिलेशंस ये नहीं कहता कि कोई रिलेशन ना होने पर वो सिमेट्रिक रिलेशंस नहीं होगा, सिमेट्रिक रिलेशंस महज यही बात कहता है कि यदि कोई रिलेशंस में ए रिलेट हो बी से तो बी भी रिलेट होना चाहिए ए से। वो बिल्कुल ये नहीं कहता कि रिलेशंस ना हो तो वहाँ रिलेशंस ला देना चाहिए। इसलिए ये हमारा जो एम्प्टी रिलेशंस है वो सिमेट्रिक रिलेशंस होगा, क्योंकि यहाँ तो किसी से कोई रिलेट हुआ ही नहीं कि उसका हम अपोजिट रिलेशंस देखेंगे, अपोजिट से आप देखना ही नहीं है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि एम्प्टी रिलेशंस इज अ सिमेट्रिक रिलेशंस। आते हैं थर्ड वन रिलेशंस, ट्रांजिटिव रिलेशंस पे।